और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी बेंच करेगी हिजाब केस की सुनवाई। ये बड़ी खबर मिल रही है हिजाब मामले पर। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को ये पूरा का पूरा मामला सौंपने के लिए कहा है। हिजाब मामले पर पिछले दो दिन से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई जारी थी और अब सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को केस भेजा है कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि भावनाओं के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से इस पूरे मामले पर फैसला होगा और अब सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को ये पूरा मामला भेजने के लिए कहा है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में क्योंकि पर्सनल लॉ का मामला भी सामने आ रहा है तो वो सीजीआई के पास इसकी फाइल भेज रहे हैं और सीजीआई से ये कहेंगे कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाई जाए, नियुक्त की जाए ताकि वो इस मामले को सुने। और इस बड़ी बेंच का मतलब ये है कि अभी चूंकि जस्टिस दीक्षित इस मामले को सुन रहे थे, वो एक सदस्यीय बेंच थी, अब ये मामला दो सदस्यीय बेंच के पास जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चूंकि पर्सनल लॉ शामिल है इसलिए ये अच्छा रहेगा कि डबल बेंच इसे सुने ताकि उसकी स्वीकार्यता बढ़े। तो इस बीच में कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो तब तक के लिए राहत दे देते हैं, अंतरिम राहत, कि बच्चों को अगर हिजाब की अनुमति दे दी जाए और तब तक लार्जर बेंच इस मामले को सुने। उसका सरकार की तरफ से भी विरोध किया गया और साथ साथ जो स्कूल की कमेटी है जिसका ये निर्णय था कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, उसने भी विरोध किया था। बिल्कुल, छात्राओं को अंतरिम राहत देते हुए ये कह दिया गया है कि अब बड़ी बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। केस बड़ी बेंच को दे दिया गया है। शुक्रिया विक्रांत यादव इस तमाम जानकारी के लिए।